भोपाल राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर जारी आंकड़े मध्य प्रदेश में शिक्षा की बंटाडार व्यवस्था की खुली गवाही दे रहे हैं। 84,000 स्कूलों में मात्र 10 एडमिशन के आंकड़े बता रहे हैं कि 8 करोड़ जनता का सरकारी शिक्षा से भरोसा उठ चुका है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश के 84,000 स्कूलों में मात्र 10 एडमिशन के आंकड़े बता रहे हैं कि जनता का सरकारी शिक्षा से भरोसा उठ गया है। सरकार के सुचारू होने के दावे झूठे हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री शिक्षकों की व्यवस्था करने के बजाय बयान दे रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि लगभग 30,000 स्कूल बंद करने के बाद भी सरकार शिक्षकों की भर्ती से बच रही है, फिर जनता के सिर पर कर्जा क्यों लादा जा रहा है, यह प्रदेश पूछ रहा है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का पिछले 20 साल में जो दुर्दशा की है, जो बंटाढार किया है, उसके प्रमाण आज सामने आने लगे। 5,500 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं मिला जिसने एडमिशन लिया हो। ये हालात कर दी है मध्य प्रदेश की शिक्षा की। 25,000 स्कूल हैं ऐसे जिसमें मात्र 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है। इसके बाद भी इस सरकार जो है कोई लाज नहीं आती और कहती है कि मैंने राज्य को सुचारू बना दिया है। ये सुचारू होता है राज्य जहां पर 25,000 स्कूलों में 2 बच्चों का एडमिशन हुआ हो, जहां पर शिक्षक नहीं है, जहां पर 5,500 स्कूलों में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में, मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बच्चे एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपने शिक्षा का बंटाढार कर दिया है। आप चाहते नहीं कि मध्य प्रदेश का बच्चा पढ़े और उसकी बर्बादी की आप इबारत लिख रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।